Hey guys, hi everyone. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चले मेरे बच्चों जिंदगी? कैसे हो सब लोग यार? सब बढ़िया एकदम? ठीक ठाक चल रहा है जिंदगी? थोड़ा सा तो डर में हो गए आप लोग, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी हो गए, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज आ रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, सिलेबस में और कोई रिडक्शन नहीं होने वाला है वगैरह वगैरह चीज़ें. आई नो अ लॉट ऑफ पार्ट ऑफ देम आर डीमोटिवेटिंग, बट दैट्स ओके, देयर आर लॉट ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑल्सो. यू नो द लेटेस्ट न्यूज, आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव बीन हियरिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री इटसेल्फ, कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट द एग्जामिनेशन इज गोना हैपन ऑन मार्च. इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, एवरी वन ऑफ अस नो दैट, है ना? तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट द एग्जामिनेशन ऑफ सीबीएसई 10th बोर्ड इज गोना हैपन ऑन यू नो मार्च इटसेल्फ. आईसीएसई 10th की अगर हम बात करें, वी आर वेरी क्लियर कि इट्स गोना हैपन द मंथ ऑफ अप्रैल. वो तो क्लियर है, वो तो बोला गया, उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया है. A lot of clarity has not come yet कि सीबीएसई 9th या जो बाकी सारे यू नो क्लासेस हैं उनके एग्जामिनेशन कैसे होने वाले हैं, ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है. वो बाकी सारी चीजें तो एनीवेज आर ऑन दी स्कूल्स, दे डिपेंड अपॉन दी स्कूल्स, दे आर नॉट डिपेंड अपॉन एनी गवर्नमेंट और एनीथिंग. दे आर यू नो वो स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कब करवाएंगे. एंड ऑफकोर्स एवरी वन, द प्रायोरिटी टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज एक्चुअली योर सेफ्टी एंड योर एजुकेशन. दीज आर दी टू प्रायोरिटीज विच दे हैव, है ना? तो आई एम प्रीटी श्योर एवरीवन इज वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. बट अमॉन्गस्ट ऑल दिस आज मैं यहाँ पे क्यों आया हूं? आज हम बस इसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, दैट कैन यू एस बोर्ड एग्जामिनेशंस इन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक विथ वॉट एवर यू हैव, विथ वॉट एवर यू नो एंड एवरी सिंगल थिंग एज ऑफ टूडे, कि क्या आप लोग मचा सकते हो, फोड़ सकते हो सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन को, आईसीएसई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन को, या तो अगर आप 12th में हो, जो भी हो, जैसा भी हो, कैन यू एस दैट एग्जामिनेशन इज वॉट आर वी गोना टॉक अबाउट टूडे. बट बिफोर दैट पीपल, लेट मी कंग्रेचुलेट यू गाइज ऑल. यू नो वाई? लेट मी टेल यू. एज सुन एज द कोविड 19 स्टार्टेड वी ऑल नो दैट द एंटायर स्टूडेंट्स लाइफ एक्चुअली चेंज ड्रास्टिकली, है ना? द एंटायर स्टूडेंट्स लाइफ चेंज कंप्लीटली. It was in a day, a lot of students who actually used to take online education, for them, online education was a sort of secondary way to take the education, है ना? मतलब secondary way था, पहले school होती थी primary, उसके बाद secondary होता था, कभी कभी online education tertiary हुआ करता था, मतलब कोई और coaching, उसके बाद फिर online. But जैसे pandemic हुआ, everything shifted. A lot of you guys were actually not knowing about online education, but then you started coming on together to this field. The normal e-learning, became the new trend of education. And it proved out to the country, it proved out to the entire world that yes, online education is possible. Right? But that's not the point here. The point here is, you transform from textbooks to laptop, to your mobile phones, to your screens. And people, I must congratulate when I say this, you have done a fabulous job. So keep doing that. Keep going, students, because you have come this long way till today, that the month of December you guys are in. Agar mamla sab theek rehta, tab March mein examinations hoti. Ab mamla theek nahi hai, to jab chahe exams ho, aap logo ne bahut achha kiya hai. Just want to clap all of you guys for that. Well done, people. Thank you so much for being so brave, so courageous, and so strong, holding on to your family, talking to your friends virtually, keeping your mental stress down, thinking about all your friends as well, caring about everyone around you, and then also coping up with your education. Commendable job. Well done, people. Great job. Really proud of each and every one of you guys. And I wanted to thank you guys all before I start today's session. I really wanted to. So, well done, people. Well done. Give a pat to yourself. You've done a great job. अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम डाउन टू द पॉइंट. व्हाट आर द थिंग्स विच आई बिलीव दैट विल हेल्प यू टू एस योर एग्जामिनेशंस? कुछ बहुत मामूली चीजें हैं. वो कहते हैं ना कि मतलब छोटी छोटी चीजें ही होती हैं आपकी जिंदगी में जो बहुत बड़े चीजें कर दिखाती हैं. वो छोटी छोटी चीजें क्या है जिसके थ्रू आपको बहुत बड़ा बड़ा रिजल्ट मिलेगा, है ना? यू डोंट हैव टू टेक बिग स्टेप्स इन योर लाइफ, यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स कंसिस्टेंटली. And that's when it will turn out to be success. Of course, big steps लेने का ही मौका मिलेगा आपको. उस opportunity को मत छोड़ना. But do not expect कि हमेशा big steps लेने का मौका मिलेगा. जब ना मिले, small steps, है ना? बूंद बूंद से समुंदर बनता है. Exactly वैसे. तो वो छोटे छोटे steps क्या है जो आप अपने daily routine में change कर सकते हो, जिसके through you will have your blast of an examination. उसके पहले
60 डे स्ट्रैटेजी जो है, यानी कि 21 दिसंबर से लेके आपके फरवरी 20th तक जो स्ट्रैटेजी है, जो टाइम टेबल है, जो डिटेल में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, वो वीडियो आपको शायद या तो आज लॉन्च हो रहा होगा या तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका होगा, उसको देख लेना। 60 डे स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है पूरे साइंस के लिए, वैसे ही मैथ्स के लिए, एसएसटी के लिए, इंग्लिश के लिए हो जाएगा, तो चिंता बिल्कुल मत करना आप लोग, ठीक है। सो वॉच दैट वीडियो टू हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द टाइम टेबल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट मी रीइटरेट वन सिंपल थिंग व्हिच आई हैव बीन ऑलवेज टेलिंग। ये जो टिप्स मैं बोलने वाला हूं, वो जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई हुई 60 डेज की, ये हर एक बच्चे के लिए जिसने पढ़ लिया है, रिवाइज भी कर लिया है, अब मचाना चाहता है, अब रेडी एग्जाम देने के लिए। This is gonna imply to all the students who have studied but not revised, but they are gonna go forward for revising. ये उनके लिए भी काम करने वाला है जो बच्चों ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया एग्जाम पढ़ना। तो इट्स ओके पीपल, इट्स ओके। मैंने ये चीजें 60 डेज में कवर की है और ये चीजें मैं आज भी कवर करने वाला हूँ कि ऐसे कौन से टिप्स हैं जिसके थ्रू आप एस कर सकते हो। तो नेक्स्ट 5 मिनट मेरे साथ रुक जाओ और मचाओ फिर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे if in case you're enjoying already. Let me know in the comments one amazing thing which I'll ask you at the end, not right now. ठीक है, तो उन तीन टाइप के बच्चे के लिए क्या करना होता है, देखो बहुत सिंपल है। मुझे इतने सारे ईमेल्स आ चुके हैं कि सर एनसीईआरटी इनफ है क्या, एनसीईआरटी पढ़ लो तो काफी है क्या सर, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है सर, नहीं करना है सर, क्या करना है सर, बताओ तो दो, राइट। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, कट स्ट्रेट थ्रू द क्वेश्चन, द आंसर इज बिल्कुल काफी है, इट्स एब्सोल्युटली सफिशियंट। अगर आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ ऑल द रैंडम रीजंस व्हिच यू हैव इन योर लाइफ, बिकॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, यू कैन ओनली डू एनसीईआरटी, इज दैट व्हाट यू हैव विथ यू, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, डू एनसीईआरटी प्रॉपरली एंड यू कैन गारंटीडली एक्सपेक्ट, इफ यू डू इट प्रॉपरली, क्लियरली 80% अबव ऑफ मार्क्स, रियली डू नॉट वरी अबाउट इट। ऑफ कोर्स अगर आपका इफ योर लाइफ इज गोइंग ऑन अ वे वेयर यू हैव द लिबर्टी टू जस्ट गो थ्रू एनसीईआरटी पीपल, देन आई वुड टेल यू just do that honestly, and if you do that honestly and with the utmost dedication, no one can take 80 marks from you at all, trust me on that, theek hai। ye sare subjects ke liye lagu hai aur mostly jitna maine dekha examinations ko, mujhe clearly pata hai ki bhai ncrt sirf karne se 80 ke usse bhi zyada marks aate hain out of 100, so do not worry। so I hope this part is clear with you। agar aapki zindagi mein itna hi mauka hai ki aap ncrt hi sirf kar sakte ho, chinta mat karo, usko kar dalo, that's straightforward there, ठीक है। अब इसके बाद मौका मिलता है तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द एनसीईआरटी एक्सेम्प्लर ऑल्सो, और उसके बाद और अगर आप वक्त होता है, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर questions। और जब भी मैं प्रीवियस ईयर questions या सैम्पल पेपर या टेस्ट पेपर की बात करता हूँ फॉर प्रैक्टिसिंग, मुझे ये सवाल मिलता है आप लोगों से कि सर सब उसमें तो डिलीटेड questions भी होंगे तो हम क्या करें। अरे यार डिलीटेड questions को इग्नोर मारो, बाकी तो इंपॉर्टेंट है ना, डिलीटेड questions को इग्नोर मारो, बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसको करो, और जो डिलीटेड पोर्शंस निकल चुके हैं जिन जिन चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को थोड़ा और देख लो चैप्टर्स को, क्योंकि उन चैप्टर्स में कोई और टॉपिक आएगा जो इंपॉर्टेंट हो, है ना, तो उन चैप्टर्स को थोड़ा और देख लो, बस कुछ नहीं करना है और। सो जस्ट इग्नोर द डिलीटेड टॉपिक्स यार, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, सॉल्व द एनसीईआरटी एक्सेम्प्लर, सॉल्व द सीबीएसई सैम्पल पेपर्स, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन चिल आउट। एंड हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट यू बिलोंग टू, क्या आपने पढ़ाई स्टार्ट कर ली है, पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, रिवाइज करना है, जो भी करना है वो 60 डेज में इंक्लूड किया हुआ है कि डे बाय डे क्या करना होता है डिटेल में, तो देख लेना एक बार, ठीक है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पीपल, दैट एनसीईआरटी इज डेफिनेटली इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आई एम स्टेडिंग हियर फॉर बोर्ड 10th एंड 12th, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, राइट, इवन फॉर योर 11th, इवन फॉर योर 9th, कीप दैट इन योर माइंड, जस्ट डू दिस विद अटमोस्ट डेडिकेशन, दैट्स इट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल, कैन यू डू इट इन 60 डेज, 60 डेज का टाइम टेबल बनाने का यही मतलब था कि हो सकता है ना, वरना हम करते नहीं स्ट्रैटेजी, हम 60 डेज का स्ट्रैटेजी बनाते हैं क्यों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई हम आगे बता दें आपको हाउ टू स्टडी फिजिक्स इन 10 मिनट्स, हाउ टू स्टडी साइंस इन 10 सेकंड्स, हाउ टू रिवाइज इट इन हाफ एन आवर, नहीं हो सकता भाई, कोई कर रहा है तो फिर बहुत डिफिकल्ट है इस चीज को करना। I'll be really surprised if we can finish the entire physics in 10 minutes or half an hour, that's not possible, a day yes definitely, and day a day of revision, not a day of studying everything, very difficult, then you have to stay up for 24 hours and study, why to go ahead, you still have 60 days left, and when I say this people 60 days, I'm meaning for all these students who haven't started studying, who have studied but want to revise, who have studied and revised both, every single thing, I'm pretty sure you must be checking out that 60 days video right now, 60 days strategy ka video check out kar lena, humne kiya hua hai, aur baki channels mein bhi, jo bhi dusre platform hai, sabne almost kiya hoga, to jinse aap proper relate kar paate, unse relate karo aur karo, agar humare sath connect ho pa rahe ho, connect karo aur karo, ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल, इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट आपकी एजुकेशन है,
किससे कनेक्ट कर पा रहे हो उसका यू नो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, जस्ट कीप दैट इन योर माइंड. कूल. सो कैन आई डू इट इन 60 डेज? हेल यस, हेल यस, यू कैन डू दैट डेफिनेटली. हाउ टू डू इट, ऑलरेडी शेयर इट टू यू, चेक आउट दैट वीडियो. ठीक है, प्रॉपर 25 मिनट का बनाया हुआ है, मैंने देखना उसको. नेक्स्ट, मूविंग ऑन, हाउ टू बूस्ट योर स्टडिंग स्किल्स. अभी जो आगे वाली चीज मैं बताने वाला हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, बताता हूं क्यों. सर डिस्ट्रैक्शन क्या करें, सर डिस्ट्रैक्शन का फोकस कैसे रखें अपने आप को. बहुत टेंशन है सर, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, डिप्रेशन में जाने वाला हूं मैं, अर्ली लेवल्स ऑफ डिप्रेशन हो रहे हैं बच्चों को. आई एम लाइक, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड आर वी लिविंग इन वेयर वी हैव डिप्रेशन एट अ एज ऑफ 15. आई एम लाइक, दिस शुड नॉट हैपन, दिस शुड नॉट हैपन पीपल. There's something going wrong in this world if a 15-year-old has depression. And if there was one or two, still not okay. But when I can see thousands of females coming in, flooded, ki ye ho raha hai, still not, you know, there's something wrong in the world. To kya karna hota hai in sab ke liye? Yaar, sabse pehli baat, yaar, start smiling, please. It's really important. Theek hai? Start smiling, that's the most important thing. That's how you will boost your study skills. That's how you'll boost your life. That is by smiling. ठीक है? But you smile a bit. Be happy. It's okay. It's okay. You have your entire life in front of you. This is, let's say, this is, for sake, let's just say, it's a difficult time for everyone out there. Not only for you. You're not alone. It's for, difficult for everyone. And when you are in a family, when you are in a family, to boost someone else's mood up, what will you do? अब ऐसा होगा उनको ना, खुद भी ऐसा होगा, दूसरों को भी ऐसा होगा. अब मानो कि ऐसा ही करना है आपको पूरी दुनिया के साथ, कि जब एक फैमिली हंसने लगेगी, स्माइल करने लगेगी, हैप्पी होने लगेगी, वैसे ही बाकी सारे फैमिलीज भी होने लगेंगे. एंड दैट इज द ट्रू वे ऑफ शोइंग करेज टू द वर्ल्ड, दैट इज स्माइलिंग इन डिफिकल्ट टाइम्स. रियली इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट, राइट? अब इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठ के करे घूमते रहो, ये मत करना. ठीक है, फिर उसको पागलपन गए, मुझे पता है बहुत अच्छी कमेंट में डालेंगे, सर इसका मतलब क्या है सुबह का करते रहे, नहीं मत करना ऐसे. ठीक है, यू लुक स्टूपिड, आई डोंट वांट यू लुक स्टूपिड, लुक हैंडसम, डोंट स्टूपिड. ठीक है, ग्रेट. सो डोंट डू दैट, सो स्टार्ट स्माइलिंग, दैट्स माई फर्स्ट टिप. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टिप. इज योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट? To boost your study skills, I hope you know that's important to be physically and mentally healthy. Samajh rahe ho baat ko? When your brain is preoccupied with your struggles, with your tensions, with your depression in your mind, you cannot study people, cannot focus on studies. Koshish karke dekh lo, jo padhoge bhul jaoge. Varna mere ko aise thodi itne emails aate hain, varna mujhe aise thodi itne sare comments aate ki nahi ho pa raha sir, nahi karega, kya kare hum? Kyunki bhai tum stressed ho, tumhe इश्यू हो रही है, प्री ऑक्यूपाइड हो माइंड से, तो माइंड को क्लियर करना होता है. और माइंड को क्लियर कैसे करें? अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्थी रखना होता है. कैसे फिजिकली कैसे हेल्थी होना है उसके लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, राइट? यू गाइस आर, आई एम प्रीटी श्योर, मच मोर फिटर देन यू नो हाउ आई एम, राइट? हमारे बस थोड़े से इतना ही है, कुछ और नहीं है, बाकी सब जगह ऐसे ही अलग तरीकों से फूले हुए हैं, राइट? यू गाइस आर मच मोर फिटर देन मी. So how to be physically healthy, I don't have to tell you. No, play badminton, cricket, football. Ghar pe hi khelo. Main to nephew ke sath ghar ke andar khelta hu. Todo cheezon ko, it's okay. Chalta hai. Papa humi de denge paise. Abhi traveling unki nahi ho rahi hai na. Ghar pe khana banaya ja raha hai. Bahut paise bach rahe hain. Chill maro. Theek hai. Just kidding. But yeah, make sure that you're keeping yourself physically healthy. You're working out for half an hour, that's enough. You know, doing yoga, whatever you're doing, just make sure that you're doing. Because when you will be physically healthy, that is when you're going to be happy, and that is when you're gonna be mentally healthy as well. Because always remember, a healthy brain resides on a healthy body. Samajh rahe ho baat ko? It will give you peace, trust me. It is scientifically proven that working out gives you happiness or tiredness. Tiredness lagdi to so jana, but still it will give you happiness. Theek hai? So it's really important to be physically healthy. That is correlated to your mental health. Agar कुछ ज्यादा इश्यूज है आपकी जिंदगी में, स्ट्रगल ज्यादा है, तो बात करो लोगों से.
अपने दोस्तों से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, किसी से नहीं कर पाते मुझे ईमेल डाल दो, मैं कर दूंगा बात आपसे। पता है आप लोगों को, आपको बहुत सारे बच्चों को मैंने ईमेल में रिप्लाई किया होगा। एवरी स्टूडेंट हु हैव सेंड मी ईमेल्स रिलेटेड डिप्रेशन और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, आई हैव ऑलवेज रिप्लाई टू देम, आई हैव गाइडेड देम टू व्हाट टू डू। दैट्स एज अ टीचर इज माय जॉब टू डू इट फॉर यू। एट द एंड आई विल बी शोइंग यू माय ईमेल आईडी इफ इन केस यू आर फेसिंग एनी इश्यूज ऑफ लाइक दैट। डोंट वरी पीपल, देयर आर पीपल टू टॉक टू। बात करो लोगों से, लेकिन अपने अंदर समेट के मत रखो, एटलीस्ट फॉर दिस ड्यूरेशन। अब तो एग्जाम्स नहीं होते है ना, एटलीस्ट फॉर दिस ड्यूरेशन अपने अंदर समेट के मत रखो प्लीज। और जब शेयर कर लोगे चीजें ना, यू फील लाइटर, यू फील मच फोकस्ड, राइट? कीप दैट इन माइंड, दैट इज सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। नाउ नेक्स्ट कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी। अरे भाई साहब, इतने बार ये सवाल पूछ चुके हैं मुझे ना यार, आई हैव गिवन अप आंसरिंग दिस क्वेश्चन टू एवरीवन। कि इज अ साउंड स्लीप नेसेसरी? पीपल टेल मी, यू नो दिस आर द ईमेल्स व्हिच आई गेट। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, सर मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, मैं दिन में 3-4 घंटे सोता हूँ सिर्फ, और मैं सिर्फ बाकी सब टाइम पढ़ता रहता हूँ। भाई मर जाओगे ऐसे, क्या कर रहे हो? 3-4 घंटे सोता हूँ, बाकी सब टाइम अभी पता नहीं चलेगा। मुझे भी लोग यही कहते थे कि सर पता नहीं चलेगा अभी, जब थोड़ी और उम्र होने लगेगी ना ये सारा असर वहां पर निकलेगा। अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म, यू आर अ ह्यूमन बींग, यू आर एन ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जिंदगी है। 3-4 घंटे सो के इट दैट डस नॉट हैपन पीपल। यू माइट नॉट बी रियलाइजिंग इट राइट नाउ, बट लेटर ऑन यू विल रियलाइज की हाउ मच इट हैज अफेक्टेड योर बॉडी। इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज राइट नाउ। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, लैक ऑफ स्लीप इज द रीजन फॉर टायर्डनेस, इज द रीजन फॉर डिफिकल्टी इन कोपिंग विद योर लाइफ, इज द रीजन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, इट इज द रीजन ऑफ फीलिंग ऑफ वरी और स्ट्रेस, विच अगेन लीड्स टू लैक ऑफ स्लीप। जब ठीक से सो जाते हो ना आपका, दैट्स द ओनली टाइम व्हेन योर ब्रेन गेट्स टू रिलैक्स। ऑफ कोर्स योर ब्रेन इज मोर एक्टिव व्हेन यू आर स्लीपिंग, दैट्स अ साइंटिफिक ट्रूथ, योर ब्रेन इज मोर एक्टिव व्हेन यू आर स्लीपिंग, बट इट इज एक्टिव इन द इमेजिनेशन पार्ट ऑफ द माइंड, द क्रिएटिव पार्ट ऑफ द माइंड, नॉट स्ट्रेस डिप्रेशन नो। सो स्लीप, प्लीज गिव योर बॉडी रेस्ट द सेम वे हाउ यू गिव योर बॉडी रेस्ट, your brain also needs rest, and the way to do that, first thing is to sleep. So, din mein kitne ghante sone chahiye sir? 7 ghante minimum yaar. 6 to 8 hours is the sleep which every adult needs. You are a kid, you need 7 to 8 hours. Please understand that. Ab main aapko ye nahi bol raha hu ki yaar har din aise karo. Kabhi koi din aisa ho ki aapko lage ki nahi yaar aaj main kuch zyada kar sakta hu, to theek hai, पढ़ो 3-4 घंटे सो कर लो, बट गेट बैक ऑन ट्रैक। हम सब नाइट आउट्स करते हैं, सब नाइट आउट्स करते हैं, है ना? हमें भी जब कंपनी में ज्यादा काम होती है तो हम नाइट आउट कर लेते हैं एक दिन, दैट्स ओके, दैट्स ओके, ह्यूमन बीइंग कैन टेक दैट, इट्स ओके, बट हर दिन नहीं है, हर दिन नहीं, डजंट अफेक्ट, नो वन एनकरेजेस दैट, सो प्लीज डोंट डू इट, ठीक है? प्लीज मेक श्योर दैट गेटिंग प्रॉपर स्लीप, एंड यू नो ट्राई इट फॉर 1 वीक, लेट मी टेल यू, ट्राई इट आउट फॉर 1 वीक एंड टेल मी वेदर दैट मेक्स एटलीस्ट यू रिलैक्स्ड और नॉट, stressless or not. Please tell me that in this same video's comments 1 week later. Ki yahan se maine try karke dekha, kam se kam main 7 ghante soya, I'm feeling much more relaxed. Padhai thodi si kam ho gayi, it's okay. Maine thode dino ke liye sirf aadhe ghante khela, ya din mein pure 24 hours mein main 7 ghante soya, 8 ghante soya. Baki 8 ghanton mein maine padhai ki proper. और बाकी जो 8 घंटे मेरे बच गए 24 आवर्स में, उस 8 घंटे में मैंने नहाया धोया, मूवी देखा, यू नो थोड़ा रेस्ट ले लिया, उसमें थोड़े मेरे घंटे बच गए थे, यू नो मैंने 5 घंटे में सब कर लिया, खेल भी खोल लिया, नहा लिया, मूवी देख लिया, खाना वाना खा लिया, सब कर लिया, अभी 3 घंटे बचे थे तो मैंने लगा दिया पढ़ाई पे। और एक दिन में 11 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है ना, इतना तो पढ़ने की जरूरत लगता भी नहीं है मुझे, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की इतनी, 11 आवर्स ऑफ स्टडीज नेवर इन माई एंटायर लाइफ, ठीक है? बट इफ इन केस यू वॉन्ट मोर, उन 8 घंटों को कम करो। ये मैंने इस साल के शुरुआत में भी आप बताया था आप लोगों को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू दिस वंस बैक अगेन, आई ऑलवेज फॉलो 8 आवर रूल, ठीक है? पता नहीं 8 आवर रूल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लेकिन मैं इसको हमेशा फॉलो करता आया हूं। मैं वो बताया भी आपको 8 आवर रूल क्या होती है। 24 आवर्स को अगर आप 3 घंटों 3 में डिवाइड करोगे, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे, तो इट विल गिव यू 8 आवर्स, एंड द फर्स्ट 8 आवर्स गोज टू स्लीपिंग, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। सेकेंड 8 आवर्स goes to creative work. What is this creative work? Studying, whatever you want to do. Agar sports mein to sports, jo bhi hai, theek hai? And the next 8 hours, the final 8 hours, goes to relaxation.
in which you are doing your daily, you know, course, you're, you know, eating, you're taking some rest, you're sleeping, you're taking a nap, you're watching a movie, whatever you're doing in that 8 hours. अब इस सिनेरियो में किस 8 घंटों से आप थोड़ा सा वक्त उठा के और क्रिएटिविटी में डाल सकते हो? यहां का 8 घंटा है ना, बस बहुत वक्त मिल जाएगा आपको, आराम से 8 से 12 घंटे मिल जाएंगे अगर आप यहां पे आप 4 घंटे कम कर लोगे तो, या 3 घंटे कम कर लो, जो भी करना है आपको कर लो। स्लीप ऐसे चलो 1 घंटा उठा लो, राइट, फिर भी बहुत वक्त बच जाता है आपके पास। किसी इंसान ने कहा है कि हर एक इंसान के पास चीजें अलग अलग होती हैं, मेमोरी पावर, थिंकिंग कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजीज, पैसे, प्रॉपर्टी, घर, फैमिली, भाई बहन, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, मम्मी पापा, हेल्थ, सब कुछ अलग अलग होता है, लेकिन हर एक इंसान के पास एक चीज सेम है, वो क्या बता? ये एवरी वन ऑफ यू गाइस जस्ट हैव 24 आवर्स, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन देयर। तो इन 24 घंटों में जो जो कर जाता है तभी जाके कुछ बन पाता है, ठीक है, इस बात को याद रखो। दिस इज व्हाट माय मेजर टिप इज टू यू गाइस, यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली, हो जाएगा फिर, ठीक है। मूविंग ऑन तो द नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक वन ऑफ योर फेवरेट, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। सर डिस्ट्रैक्शन कैसे निकालना है? यू नो आई फॉलो वन वेरी इंपॉर्टेंट कोड फॉर डिस्ट्रैक्शन, इट इज दिस, स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस, फीड योर फोकस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, शायद थोड़े से आप शर्मिंदा हो जाओगे सवाल को सुनकर, लेकिन मुझे बताना, क्योंकि बट सी ऑनेस्टली पीपल, आई वॉज ऑल्सो एडिक्टेड टू दिस, ठीक है, मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन होते थे टू बी वेरी श्योर, लेकिन अब नहीं होते हैं। क्यों? आई टेल यू, आई समटाइम्स माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, ये सवाल मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप खुद से पूछो, मैं अभी हर दिन पूछता हूं, तो आप भी खुद से पूछो, क्या तुम आप एक मोबाइल फोन से हार गए? बताओ, फेसबुक से हार गए, व्हाट्सएप से हार गए, टेलीग्राम से हार गए, जीमेल से हार गए, जो भी यूज करते हो हार गए उनसे? क्या जिंदगी जी रहे हो, है कि एक फोन को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या जिंदगी जी रहे हो आप? बताओ, छोटा सा एक चीज, क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए उसे? इतनी बड़ी जिंदगी कैसे कंट्रोल करोगे? ये सवाल मैं अपने आप से पूछता हूं। आई मीन आई डू दिस, आई रियलाइज्ड बिफोर, अभी तो नहीं करता मैं, आई रियलाइज दिस बिफोर, कि ना कि हाँ यार छी, इतना विल पावर मेरे अंदर नहीं है कि मैं एक फोन से हार गया। देन आई स्टार्ट ट्रेनिंग माई सेल्फ, मैंने एक साथ कम नहीं किया। एक तकनीक बताता हूं आपको, विच पीपल फॉलो टू कम आउट ऑफ यू नो ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, क्या करते हैं वो, उनको एक ही दिन में उस एडिक्शन से रोका नहीं जाता, ऐसे नहीं कैसे ट्राई करके रोक दिया, नहीं नहीं तुम नहीं पियोगे, नहीं ऐसे नहीं होता है, स्लोली स्लोली उनका अमाउंट कम कर करके एक दिन उन्हें जीरो चीज देते हैं, सो दैट देयर बॉडी गेट्स ऑटोमेटिकली अडैप्टेड टू लोअर डोसेस ऑफ अल्कोहल और ड्रग अब्यूज और व्हाटएवर इट इज, दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट। अगर आपको करना है तो ये सेम चीज यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज दिस वर्क्स इन ऑल द एडिक्शंस, अ डिस्ट्रैक्शन है कोई भी चीज का, एडिक्शन है कोई भी चीज का, रिड्यूस डाउन द अमाउंट ऑफ इट एवरी डे ग्रेजुअली until it becomes zero or until it becomes a comfortable level good for you. Mobile phone use karna koi kharab baat nahi hai, it's not a bad thing, it's a useful thing if used properly, right? Keep that in mind, that's my best way to tell you how to stop being distracted. Aur ye sawal aapse puchna jab bhi zyada use karne lag jao, apne aap se puchna, are yaar mobile phone se dobara haar gaya main, hat yaar, ye bolna zarur, focus people, ठीक है, फोकस। और ये सवाल अपने बारे में, एग्जाम के बारे में पूछा, क्या मैं एक 10th बोर्ड एग्जामिनेशन हारने वाला? हेल नो, आई एम गोना नेल दिस अप, दैट्स व्हाट आई एम गोना से, राइट पीपल, राइट। सो हाउ टू क्रिएट अ स्टडी प्लान एंड सेट रियलिस्टिक गोल्स, आई हैव टोल्ड यू, 8 आवर प्लान मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा मैं आपको एक और छोटा सा टिप देना चाहूंगा बिफोर आई लीव फॉर टुडेज सेशन, एंड दैट टिप इज पीपल समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड आई ऑल्सो फॉलो दिस एंड ऑल्सो गिवन दिस सेम थिंग टू यू कि जब भी हम यू नो टाइम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्टडी प्लान बनाते हैं, हम टाइम स्पेसिफिक बनाते हैं कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, टाइम स्पेसिफिक बनाते हैं। और जब भी टाइम स्पेसिफिक चीजें बनाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से 90% ऑफ द केसेस फॉलो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आपको टिप देता हूं कि टाइम स्पेसिफिक चीजें बनाने के बदले टॉपिक स्पेसिफिक चीजें बनाओ, फिर टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ूंगा, पढ़ो, गोल अचीव्ड। और जब गोल अचीव करोगे, अरे खत्म कर दिया मैंने, हैप्पी फील होगे। 2 घंटे में नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अरे यार 2 घंटे में नहीं हो पाया, स्ट्रेस बढ़ेगा आपके अंदर। तो एक दिन में लो, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट लो, 2-3-4 टॉपिक फिजिक्स के, या तो एक चैप्टर फिजिक्स का उठा के पढ़ा, अगले दिन केमिस्ट्री का पढ़ा। टाइम स्पेसिफिक रखने बदले टॉपिक स्पेसिफिक रखे, देखो इफ दैट ब्रिंग्स अ चेंज इन यू। दैट्स अगेन वन ऑफ माय टिप्स टू एस बोर्ड एग्जामिनेशंस इन दिस पैंडेमिक। मूविंग अहेड, दिस इज माय फेवरेट पार्ट। अपने आप को रिवॉर्ड करना सीखो। प्लीज, यू हैव गॉन थ्रू अ वेरी वेरी बिग डील ऑफ टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च इन इंडिया, आई वुड से मार्च से लेके अब तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर लिया आपने, स्ट्रगल करते भी आए हो। तो मेक श्योर दैट यू आर रिवॉर्डिंग योर सेल्फ एवरी नाउ एंड देन। द रिवॉर्डिंग कुड बी आज एक एक्स्ट्रा मूवी देख ली, आज पिज्जा खा लिया, आज बर्गर खा लिया, अरे आज चॉकलेट खा लिया हमने। किसी भी तरीके से रिवॉर्ड करो अपने आप को। मैं कैसे अपने आप को रिवॉर्ड करता हूँ? यार मैं ना शॉपिंग कर लेता हूँ अमेजोन पे कभी कभी, छोटी बड़ी चीज़ें, जैसे वो मैगनेट देखते हो आप, ये मैगनेट देखा बस एक दिन, अरे आज मेरे को रिवॉर्ड करना है, आज अच्छा चीज़ हो मेरे साथ, अरे काफ़ी छोटी छोटी चीज़ हेल्प्स यू फाइंड गुड थिंग्स, फील यूर सेल्फ, अरे कोई और गिफ्ट देने वाला है नहीं ना, इसलिए खुद गिफ्ट दे दिया अपने आपको। तो रिवॉर्ड यूर सेल्फ, हाउ वेर यू सीम नाइस टू, बट मेक श्योर दैट रिवॉर्डिंग डज नॉट बिकम अ डिस्ट्रैक्शन टू यू, जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट, ठीक है? सो रिवॉर्ड यूर सेल्फ। यू नो वाई पीपल, वाई टू रिवॉर्ड यूर सेल्फ, दिस इज वॉट आई स्टार्ट माई एंटायर सेशन विद, एंड दैट वॉज स्माइल। प्लीज रिमेंबर, नथिंग, लिटरली नथिंग इज इंपॉर्टेंट मोर देन योर हैप्पीनेस, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर हैप्पीनेस, नथिंग, योर हैप्पीनेस, योर फैमिलीज हैप्पीनेस, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, रिमेंबर इट। एंड दैट हैप्पीनेस विल स्टार्ट व्हेन यू विल स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। सो प्लीज स्माइल राइट नाउ, पुट डाउन द चैट, स्माइलिंग सर, पुट इट डाउन, लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट यू आर स्माइलिंग, एंड थिंक अबाउट दैट वन डे दैट यू आर नो मोर एबल टू स्माइल बिकॉज ऑफ द प्रेशर अराउंड यू, बिकॉज ऑफ एनीथिंग अराउंड यू, यू नो देन वॉट टू से, यू नीड टू गेट अप, स्माइल इन फ्रंट ऑफ द पीपल हु आर टेलिंग यू यू कैनॉट डू इट, स्माइल एंड से दैट यू कैन एंड यू विल, वॉच मी, लेट मी नो द सेम थिंग इन द कमेंट पीपल। आई रियली होप दिस सेशन वॉज एज मच एज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज एज मच आई बिलीव इट वुड बी। Hit the like button if in case you enjoyed the session, share this video, subscribe to the channel right away, press the bell icon so that you get notified about all the amazing sessions coming on the way. Till the next session people, until then this is Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. Peace and please smile. Bye.